फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कतर में 8 भारतीयों के लिए मोदी ने लिया ऐसा एक्शन कि मुस्लिम देश भी देखते रह गए। वेरी गुड, देखते हैं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप की हरकतों पे ऐसा एक्शन लिया जाए कि कोई देश सोच ना सके कि किसी और के नागरिकों के ऊपर तुम ये इल्जाम लगाओ कि भैया वो स्पाई है, वो फलाना कर रहे हो, वो भी अपने देश के लिए नहीं, इसराइल के लिए, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है। हाँ, कुछ सोच समझ के। और उसके बाद सुनने में यह भी आ रहा था कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर भी नहीं कर रहे कोई इंफॉर्मेशन। जब इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमसे शेयर करो, पेपर्स भेजो या उस टाइप से, वो भी नहीं कर रहे थे। तो ऐसे देशों को सबक सिखाना पड़ेगा कि ये जो मुस्लिम देश है, जो अपने आप को सोचते हैं बड़े, पता नहीं क्या है, हम कुछ भी कर सकते, उन्हें पता चलना चाहिए वो नहीं चलेगा। तुमने रॉन्ग किया तो पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी थूथ होगी, पूरा वर्ल्ड तुम पे एक्शन लेगा। इंडिया तो लेगा, पूरा दुनिया लेगी, क्योंकि आजकल का वो टाइम है कि तुम लोग हर चीज में ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखा सकते हो जैसे तुम पहले दिखाते, ये सोच के कि मेरे पास तेल है तो भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को दबा सकते हैं, वो नहीं चलेगा। सबूत दो पहले, उसके बाद प्रॉपर जो स्टेप्स होते हैं, जो भी फॉलो होता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, वो फॉलो करो। ये नहीं कि तुम्हारे को जो मन किया किसी को भी स्पाई बना दिया। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंटेन करते हैं। एग्जैक्टली। और ये पाकिस्तान के साथ जो है ना, और इसराइल की दुश्मनी जो है, और उनको तकलीफ हो रही है कि इंडिया जो है थोड़ा अभी इसराइल की साइड हुआ हुआ है, जबकि हर जगह पे हम वो कर रहे हैं कि भैया हम ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, अगर कोई भी वोटिंग भी होती है तो भी इनको तकलीफ हो रही है इस बात की। तो चलो शुरू करें। 8 भारतीय नौसैनिकों की जान बचाने के लिए मोदी ने बनाया ऐसा प्रचंड प्लान कि कांप उठा मुस्लिम देश, जल्द लौटेंगे अपने वतन। जिस मोदी ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया, उन्हीं मुस्लिम देशों में से एक बड़े देश ने भारत से बड़ा पंगा लिया। कतर में 8 भारतीयों को मिलने जा रही फांसी की सजा को रुकवाने के लिए मोदी ने लिया ऐसा एक्शन कि कांप उठा मुस्लिम देश। भारत के ऊपर जब जब कोई बड़ा संकट आता है, हर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी अपने संकट मोचक हनुमान को लगाते हैं। जी, जिस मोदी ने हाल ही में दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को घुटने के बल सरेंडर करने और चाणक्य वाले प्लान से ताली बजाने पर मजबूर कर दिया था, जिस मोदी ने अपनी कूटनीतिक चाल से इसराइल और फिलिस्तीन दोनों को अपना मुरीद बना लिया था, जिसने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों, विरोधियों और दुश्मनों को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था, उसी मोदी और भारत से एक मुस्लिम देश ने बड़ा पंगा ले लिया है। मोदी के आगे दुनिया का पावरफुल देश भी झुकता है। मोदी को पूरी दुनिया यूं ही नहीं विश्वगुरु कहती है, क्योंकि मोदी वो करके दिखाते हैं जिसे कर दिखाने में और फैसला लेने में बड़े बड़े का कलेजा कांप उठता है। दुनिया में बीते कई सालों में कई देशों के बीच जंग हुई, कई देशों में हालात खराब हुए, लेकिन मोदी ने अपने सफल ऑपरेशन से कैसे हर एक भारतीय को सुरक्षित अपने वतन वापसी कराई है, ये तस्वीर भारत के साथ पूरी दुनिया ने देखा। जहां कई देशों के लोगों की जान जा रही थी, तो वहीं किसी भी भारतीयों को किसी भी देश की तरफ से छूने की हिम्मत नहीं थी। इसराइल हमास युद्ध के बीच कई लोग गाजा में भी फंसे रहे, लेकिन मोदी ने उसी बीच ऐसी चाल चली कि इसराइल और फिलिस्तीन को भी शांत करा दिया। गाजा में सिर्फ 4 भारतीय फंसे पड़े थे, लेकिन मोदी ने उन्हें वहां से भी सुरक्षित अपने वतन वापसी करवाई। मोदी ने अपनी इस चाल से एक झटके में 57 मुस्लिम देशों को शांत करा दिया। इस बीच मुस्लिम देश कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को जासूसी करने के आरोप में कतर सरकार ने फांसी की सजा का ऐलान किया है, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया है। मोदी ने आनंद फानंद में बैठक बुलाकर अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर और अपने संकट मोचक हनुमान को लगा दिया है, और इस मिशन पर लगाकर एक और सफल ऑपरेशन की तैयारी में लग गए हैं। फांसी की सजा रुकवाने के लिए मोदी ने ऐसी रणनीति अपनाई है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। ये ऑपरेशन काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि कतर के साथ भारत के रिश्ते काफी खराब है। दोनों नेताओं के आगे अग्नि परीक्षा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो भारत अपने दुश्मन देशों के साथ पूरी दुनिया को एक इशारे पर नचाता है, उससे कतर अकड़ दिखा रहा है। बताते चले कि कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसमें पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुणेंद्र तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविश रागेश शामिल है। दुनिया भर में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर से बड़ी चुनौती मिल रही है। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया भी था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। मोदी और जयशंकर की जोड़ी अब इन सभी को बचाने के लिए आगे आई है, और वहाँ के सबसे अमीर शख्स तमीम बिन अहमद अल थानी के पास कोई फरियाद करे या फिर उनसे वहाँ की सरकार से इसे रोकने की गुजारिश की है, क्योंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौ सैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से इन सभी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है।
दरअसल कतर में दो मौके ऐसे आते हैं जब अमीर शख्स कैदियों को माफी देते हैं। पहला होता है रमजान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। क्योंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब सिर्फ एक मौका है, वो है 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस पर, जहां भारतीय नागरिकों को माफी मिल सकती है। जैसे जैसे फांसी की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मोदी और जयशंकर कूटनीति रिश्तों के सारे तरकीब अपनाने जा रहे हैं। वहीं दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, उनसे भी मोदी जयशंकर इन सभी से माफी के लिए गुजारिश करवा सकते हैं। वहीं बताते चले कि हर देश नियमों के मुताबिक कूटनीतिक रिश्ते के लिए तैयार रहता है, ऐसे में भारत अब कौन सा रास्ता अपनाएगा और कैसे इन मुसीबत से निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। भारत के ऊपर जब जब और जहां जहां भी संकट की घड़ी आई है, मोदी ने अपने हनुमान जयशंकर को तुरंत उस मिशन के लिए लगाया है और सफलता भी हासिल की है। एक बार फिर से इस घड़ी में हनुमान 8 भारतीयों को बचाने में कैसे सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो भैया देखो, मेरे को तो इस बात का गुस्सा आ रहा है, शरिया लॉ है, अपनी दादागिरी है, जो करना है वो करेंगे, वही वो कह रहे हैं ना, क्योंकि अब कोर्ट ने बोल दिया तो अब कुछ हो नहीं सकता। एक ही वे है कि जो वहां पे अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग जो हैं, 2 साल में 2 बारी ऐसा टाइम आता है जब वो अपनी मर्जी से किसी को, जैसे होते हैं ना, किसी को जान बख्श देना, उस टाइप का क्रिमिनल्स को भी वो कर सकते हैं। हाँ, पानी जो भी होगा, मुझे तो सुन के इतना गुस्सा आया। तो वो उससे कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से उनको माफी मिल जाए। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, वैसे सिर्फ बताऊं किस बात की माफी, जब उन्होंने किया ही नहीं, उनको झूठा अगर फंसाया जा रहा है तो किस बात की माफी। पर ये पहले इंडिया, मेरे ख्याल से कोशिश भारत की ये है कि कुछ, मतलब प्यार मोहब्बत से बिना कुछ ज्यादा टेंशन के अगर इस तरीके से भी मिल जाए तो कर लेंगे, फिर बाद में इनको सिखाएंगे लेसन। अभी तो अपने लोगों को लेके आए किसी भी तरीके से, अगर पीसफुल तरीके से, तो अभी सबसे पहले अपनाया गया होगा पीसफुल तरीका कि ये इजी वे आउट है, जिससे किसी को भी, उनको भी ये नहीं लगेगा कि भैया हमारे ऊपर प्रेशर आया और हमें जबरदस्ती छोड़ना पड़ा, हमारी बेइज्जती हो रही है, कि वो दिखाएंगे भैया राजा ने जो है उसने माफी दे दी, उस टाइप से। पर अगर उन्होंने ये नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे पास दूसरे स्ट्रॉन्गर स्टेप्स होंगे, जिससे उनकी बेइज्जती भी होगी और उनको भेजना भी पड़ेगा। तो ये फर्स्ट जो कहते हैं ना, दाव या पेच होगा कि इस तरह के ऐसे आ जाए कि चलो सब बात सुलझ जाए, उनकी अकड़ की अकड़ रह जाए, वो फंसे नहीं कि भैया हमने तो गलत कर दिया, अब हम कैसे इसको छोड़ें। मेरा तो यही सोचना है, पर देखते हैं। गुस्सा तो आ रहा है, माफी किस बात की, हमारे लोगों ने कुछ किया नहीं, इससे पता चलता है कतर मत जाओ, जहां जहां बेसिकली शरिया लॉ है वहां तो कभी भी मत जाओ यार, कोई इंडियन को नहीं जाना चाहिए। देखिए, डिप्लोमेटिकली देखना पड़ेगा, वो ठीक है कि माफ़ी मांग के कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं होता तो अल जजीरा पे कुछ ना कुछ होगा। बोल सकते हैं कि जहां पर भी कतर को प्रॉफिट होता है इंडिया से, उसको कट करने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रेड कोई हो रहा है जिसमें उनको प्रॉफिट होता, बोलेंगे ट्रेड नहीं करेंगे। जहां पर भी अपॉर्चुनिटी की, मतलब ये है कि आप एक तरीके से रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है कतर, फिर गवर्नमेंट देखती रहेगी, जहां कोई मौका आता है ट्रेड रहता कुछ होता है, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, जिससे उसका लॉस हो। बिल्कुल। और जहां पर भी इतने सारे हमारे देश के वासी गए हुए हैं, उनको भी कह सकते हैं कि यहां से निकलो, कहीं और जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। बिल्कुल, तुम्हें जान है तो सब है, जान जहां पे तुम्हें पता है कि भैया कभी भी कुछ भी करके तुम्हें बोल देंगे तुम स्पाई हो, तुमको वहीं पर फांसी की सजा देंगे, कौन जाएगा भैया, पैसा हर चीज थोड़ी कोई होता है, जान सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभिषेक अपना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।